Assalamualaikum students. I hope you're in good health. Let's start our lesson, social studies. Today we're gonna start unit number 2, geography of Pakistan, and topic 5, our country. Let's start. Are you proud of your country? Can you name things about Pakistan that make you happy? Let us look at some of the things that make Pakistan a wonderful country to live. Land of contrasts. Contrasts ka kya matlab hai yahan pe? Contrast mein contrast kis cheez ko kehte hain? Ek hota hai matching hota hai, jo same cheeze hoti hain, usko kehte hain ki ye matching hai. और कंट्रास्ट होता है जो दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये येलो और ग्रीन का कंट्रास्ट है कि ये दो डिफरेंट कलर्स हैं. तो जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं दो, वो कंट्रास्ट में होती हैं, और जो सेम होती हैं वो मैच होती हैं. तो कंट्रास्ट का मतलब है कि यहाँ इट्स लैंड ऑफ कंट्रास्ट, कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लैंड्स हैं. पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट तरह के लैंड्स हैं, एक जैसा नहीं है सारा. If you travel from one end of Pakistan to the other, you will see that Pakistan is full of contrasts. कह रहे हैं अगर आप एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएं तो आप देखेंगे कि ये कंट्रास्ट से फुल है, मतलब डिफरेंट तरह का लैंड आपको मिलेगा, एक जैसा नहीं होगा. This means that some parts of the land are very different from others. यही जो मैं बता रही हूँ. To the south, you will see the stretch of the Makran coastline along the Arabian Sea. South में आप क्या देखेंगे? You will see the stretch of the Makran coastline. ये सारी Makran coastline है बलूचिस्तान की, ये Arabian Sea के साथ, ये इधर Arabian Sea है. Further inland in Balochistan are the plateaus and deserts rich in minerals. और ये बलूचिस्तान की है, यहाँ सारा बलूचिस्तान है वो कह रहे हैं. कोस्ट से और अंदर हम बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो आपको क्या मिलेंगे? Plateaus and deserts मिलेंगे, जो कि रिच हैं बहुत ज़्यादा minerals में, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं. टूवर्ड्स द ईस्ट आर हॉट डस्टी प्लेन्स एंड द ड्यून्स ऑफ द थार डेजर्ट. और ईस्ट में अगर जाएँ तो वहाँ पे प्लेन्स हैं बहुत हॉट और डस्टी, एंड ड्यून्स ऑफ द थार डेजर्ट, और ड्यून्स हैं थार डेजर्ट के, वही ड्यून्स जो ऐसे ऐसे करके बने होते हैं सैंड के. नेक्स्ट पेज. एज यू मूव नॉर्थ यू विल कम टू फार्मलैंड एंड ऑर्चर्ड्स लश विद क्रॉप्स. और अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएँ तो आपको फार्मलैंड्स मिलेंगे, ऑर्चर्ड्स मिलेंगे. ऑर्चर्ड्स क्या होते हैं बताया था आपको, बाग होते हैं फ्रूट्स के, फ्रूट्स के बागात होते हैं ऑर्चर्ड्स. लश विद क्रॉप्स, क्रॉप्स से लश क्या होगा, लश मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रीन हुआ हुआ होता है. जो फार्म्स में क्रॉप्स होते हैं, ऑर्चर्ड्स में फ्रूट्स होते हैं. स्टिल फर्दर नॉर्थ, और आगे स्टिल जाएँ आप नॉर्थ में फर्दर, यू विल सी ग्रीन कलरफुल वैलीज विद टॉवरिंग स्नो कैप माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड. आपको बहुत ग्रीन प्यारी प्यारी कलरफुल वैलीज नज़र आएंगी, जहाँ पे माउंटेन्स होंगी स्नो कैप्ड पीक्स के साथ, टावरिंग स्नो कैप्ड माउंटेन्स, मतलब ऊंची ऊंची माउंटेन्स जिनकी पीक्स के ऊपर स्नो नज़र आएगी आपको बैकग्राउंड में वैलीज के. देयर आर ब्यूटीफुल लेक्स एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी लेक्स भी मिलेंगी आपको देखने को, और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी मिलेंगे. वैलीज में तो रिवर्स होते हैं लाजमी, वो बनती ही रिवर्स से है वैली. All these different types of landscape show how interesting and varied life is in Pakistan. ये different landscape उसका है पाकिस्तान का, इससे ये show होता है कि यहाँ ये कितना interesting है, और यहाँ पर जो life है वो कितनी varied है, मतलब कि vary करती है. जो जिस area में रह रहे हैं, जिस land के ऊपर रह रहे हैं, उनकी life जो है वो vary करेगी, उसके मुताबिक होगी जिस land पर वो रह रहे हैं. जो plains में रह रहे हैं उनकी लाइफ जो है ज़्यादातर फार्मिंग में होगी, माउंटेन्स में है उनकी, उनके मुताबिक वहाँ पे होगी. इस तरह करके जो डेजर्ट में है वो वहाँ पे डेजर्ट के अकॉर्डिंगली रहेंगे. तो ये वेरी करती है लाइफ आपके लैंड के मुताबिक, अकॉर्डिंगली आप जो है वो रहेंगे. द क्लाइमेट एंड प्लांट फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक. और जो क्लाइमेट होता है किसी जगह का, और उसका जो लैंड होता है, उसका मौसम और उसका जो लैंड है उसका किसी जगह का, उसका बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी ज़िंदगी पे. ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ों पे पड़ता है? ऑक्यूपेशंस पे, कि आप किस तरह का वहाँ पे काम कर रहे हैं.
फूड क्या खाते हैं, ड्रेस कैसा पहनते हैं। ज़ाहिर है गर्म इलाके के लोग गर्म कपड़े तो नहीं पहन सकते, वो लाइट पहनेंगे, और ठंडे इलाके के लोग गर्म पहनेंगे। एंटरटेनमेंट कैसी है वहाँ पे, जिनके पास सी है यहाँ पे उनके लिए एंटरटेनमेंट सी की है, यहाँ पे जिनके वहाँ पे रिवर्स हैं, वैलीज हैं, माउंटेन्स हैं, उनके लिए उस तरह की एंटरटेनमेंट है। और उनकी इनकम भी डिपेंड करती है, इनकम डिपेंड करती है आपके वहाँ पे लैंड कैसा है, तो वहाँ पे आपके इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं। जैसे ये नॉर्थ में ज़्यादा टूरिस्ट इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो उनकी डिपेंड करती है इनकम सारी टूरिज़्म पे, कि जितना ज़्यादा टूरिज़्म होगा उसी से ही ज़्यादा उनको इनकम आएगी। मेनली डिपेंड करते हैं वो टूरिज़्म पे। ये जो पंजाब है यहाँ पे जहाँ पे फार्मिंग है, वो ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह आपकी इनकम जो है और आपकी ऑक्यूपेशन जो है कि आप क्या काम करते हैं, वो आपका आपके लैंड फॉर्म पे और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। दिस इज़ व्हाई इन पाकिस्तान देर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल। इसलिए पाकिस्तान में बहुत सारे डिफरेंट तरह के काइंड के लोग हैं जिनका डिफरेंट लाइफ स्टाइल है। ज़ाहिर है जब जिस तरह के एरिया में वो रह रहे हैं उनका लाइफ स्टाइल उसके मुताबिक होगा। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव डिफरेंट कस्टम्स एंड डिफरेंट फीचर्स। और वो वहाँ की उस एरिया की उस रीजन की लैंग्वेज बोलते हैं, उधर के उनके कस्टम्स हैं, तौर तरीके हैं और उनके फीचर्स डिफरेंट हैं। ये यहाँ पे मकरान कोस्ट बलूचिस्तान, ये मकरान कोस्ट ये है, ये आपको उसकी फ़ोटो दिखाई हुई है यहाँ पे। ये स्की रिजॉर्ट इन सवात, सवात में कोई स्की रिजॉर्ट है ये। द ओल्ड एंड द न्यू। पाकिस्तान इज अ लैंड वेयर ग्रेट सिविलाइजेशन सच एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन पाकिस्तान इन इन द पास्ट। सॉरी, पाकिस्तान जो है वो एक लैंड है जहाँ पे ग्रेट सिविलाइजेशंस जो हैं वो भी एग्जिस्ट कर चुकी हैं पास्ट में। सिविलाइजेशंस होती हैं जो कोई ख़ास मतलब जो लोग होते हैं डिफरेंट, उनके कल्चर के डिफरेंट कल्चर के जो लोग होते हैं हम उनको सिविलाइजेशंस बोलते हैं। यानी हमारे पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट सिविलाइजेशंस रह रही हैं, डिफरेंट तरह के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट आबादियाँ हैं, यानी उनके कल्चर्स जो है वो दूसरों से मिलते नहीं हैं, वो डिफरेंट हैं। तो हम वो एक अलग सिविलाइजेशन जो है वो उनको कह दिया जाता है कि एक ये सिविलाइजेशन है, ये वाली सिविलाइजेशन इस तरह की है। तो एक एंशंट भी सिविलाइजेशन यहाँ पे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये हड़प्पन्स हैं, जो हड़प्पा जो जगह है वहाँ पे ये वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको बोलते हैं। इन सम प्लेसेस देर आर बिल्डिंग्स और रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स दैट रिमाइंड अस ऑफ आवर हिस्ट्री एंड आवर एंसेस्टर्स। कुछ जगहों पे बिल्डिंग्स हैं या रिमेन्स हैं बिल्डिंग के, कुछ हिस्से जो रह गए हुए हैं वहाँ पे, वो हमें याद दिलाते हैं हमारी हिस्ट्री की और हमारे एंसेस्टर्स की। दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट आर पास्ट विच स्टिल इन्फ्लुएंसेस आर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। और उनसे हमें मदद मिलती है हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए, जिससे हम अभी भी अफेक्ट होते हैं, हमारा कल्चर और हमारे जो ट्रेडिशंस हैं। इन अ मॉडर्न सिटी लाइक इस्लामाबाद एंड कराची देर आर मैनी फाइन न्यू बिल्डिंग्स। अब जो मॉडर्न सिटीज़ हैं लाइक इस्लामाबाद और कराची, वहाँ पे काफ़ी फाइन अच्छी वाली न्यू बिल्डिंग्स हैं, बन चुकी हैं। दीज रिमाइंडर्स दैट पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग नेशन। इससे हमें ये रिमाइंड होता है, ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है डेवलपिंग नेशन है, डेवलप हो रहा है अभी भी। व्हेन वी ट्रैवल इन एन एयरप्लेन, अ ट्रेन और अ कार, वी आर रिमाइंडेड दैट पाकिस्तान हैज़ अ मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क दैट कैन ट्रांसपोर्ट अस टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड। जब हम इन चीज़ों में एयरप्लेन में, ट्रेन में या कार में ट्रैवल करते हैं, तो फिर हमें इस चीज़ का पता चलता है कि हमारी मॉडर्न कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क है वो मॉडर्न है, और हम उसकी वजह से अपने कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पे भी जा सकते हैं। ऑल्दो वी आर स्टिल अ नेक्स्ट पेज स्टिल अ मेनली एग्रीकल्चरल सोसाइटी, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स मीन दैट इवन रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री आर एक्सेसिबल एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट नेशनल इशूज़। वो कह रहे हैं हालांकि हम मेनली एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, ज़्यादा हम डिपेंड करते हैं हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन फिर भी इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क जो हैं मीन दैट इवन, उनका मतलब ये है, उनसे ये हमें पता चलता है कि हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो एरियाज़ बहुत दूर के भी हैं हमारे कंट्री के अंदर ही, यानी जो एरियाज़ बिग सिटीज से दूर होते हैं, वहाँ पे भी एक्सेस है, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन जो है नेशनल इश्यूज़ की, कि पूरे कंट्री में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो चीज़ पहुँच जाती है। हमारी कम्युनिकेशन जो है इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि दूर रिमोट एरियाज़ में भी वो इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँच रही है आजकल।
कंटिन्यूड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज इज़ एन ऑनगोइंग प्रायोरिटी फॉर गवर्नमेंट। और जो रूरल एरियाज हैं वो भी जो है वो उनकी डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू है, वो डेवलप हो रहे हैं, गवर्नमेंट की जो है वो ऑनगोइंग प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर भी ध्यान दे रही है। मैनी पीपल आर बिगिनिंग टू हैव इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। और काफ़ी लोगों को जो है वो अब उनकी जो एक्सेस है, जो इन चीज़ों तक रसाई है, वो इम्प्रूव हो रही है, उनको इजीली मिल जाती है एजुकेशन अच्छी, हॉस्पिटल्स, साफ पानी पीने के लिए, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिल रही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज आपको दो फोटोज़ यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये द मकली ग्रेवयार्ड है, ये जगह जो है ये ठट्ठा में है, ये ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, सिंध में है ये, और ये बहुत ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे जो रॉयल्स थे उनकी ग्रेव्स हैं, यहाँ पे कुछ सूफी सेंट्स की ग्रेव्स हैं, कोई अराउंड 1 मिलियन टॉम्स हैं यहाँ पे। और ये बल्तित फोर्ट इन हुंजा, ये एक फोर्ट है बहुत पुराना हुंजा में, गिलगित बल्तिस्तान में इन हुंजा। द ग्रोइंग पॉपुलेशन मीन्स दैट देयर इज़ इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर जॉब्स एंड दैट मोर स्किल्ड प्रोफेशनल्स आर नीडेड। जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है हमारी, तो उसका ये मतलब है कि यहाँ पे हमें जो कंपटीशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है जॉब्स के लिए, और ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, उनकी ज़रूरत है। हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स, टीचर्स, आईटी स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट्स एंड इंजीनियर्स आर इन डिमांड हियर एंड अब्रॉड। जो हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं उनकी, जैसे कि ये सब बताए हैं उन्होंने, उनकी डिमांड ज़्यादा है यहाँ पे भी और अब्रॉड भी, जो बाहर के कंट्रीज़ हैं, बाहर भी, यहाँ से बाहर भी। अ मोर एजुकेटेड पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड द गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रोवाइड दीज बाय इन्वेस्टिंग इन द डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स। जब ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो जाती है हमारी पॉपुलेशन, तो फिर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा चाहिए होती हैं, मतलब उनको अच्छी जॉब चाहिए होती हैं। अब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो कोई छोटी मोटी जॉब पे तो नहीं होगा ना, वो तो कोई अच्छी जॉब ढूंढेगा, तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा चाहिए होती हैं। फिर गवर्नमेंट जो है वो अपने जो इन्वेस्ट करके वो ट्राई करती है कि वो अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके अपने एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। दिस इज़ डन बाई इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं रोड्स, ट्रांसपोर्ट लिंक्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें आती हैं हमारी कंट्री का या किसी जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो उसका मतलब होता है वहाँ की रोड्स कैसी हैं, ट्रांसपोर्ट है, उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट ये कैसे करती है, दिस इज़ डन बाय इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जॉब्स जो है ज़्यादा क्रिएट हो। एंड ऑथराइजिंग कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, और कुछ कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑथराइज कर देते हैं, ताकि वो जॉब्स जो हैं वो भी, इससे भी जॉब्स क्रिएट होती हैं। मतलब किसी को होटल्स का दे दिया, किसी को मॉल्स बनाने के लिए दे दिए हैं, सिनेमाज एंड अदर लेजर सेंटर्स। लेजर सेंटर्स होते हैं जैसे कि जू हो गया, जॉयलैंड हो गया, आपके ये लेजर सेंटर्स हैं जहाँ पर आप अपना लेजर टाइम गुजारते हैं, कोई पार्क्स हो गए हैं। द सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, is a fine example of how Pakistan is playing an important role in promoting international trade as well as building its own economy. जो CPEC है ये बहुत अच्छी example है कि पाकिस्तान बहुत important role play कर रहा है promote करने में हमारी international trade. इससे पाकिस्तान और चाइना के दरम्यान में, सारी world में पीछे से जो है वो internationally हमारी trade जो है वो काफ़ी ज़्यादा promote हो जाएगी, और हमारी जो economy है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस ट्रेड की वजह से। द सी पैक इज़ एन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट, ये एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट है, इसीलिए इसको कहा गया, क्योंकि इससे हम पूरे वर्ल्ड पे एक्सेस हो रही है, ऑलमोस्ट पूरे यूरोप पे, यहाँ इसके पीछे सारा आ जाता है जो एरिया चाइना के। विच विल डायरेक्टली लिंक ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान टू जिनजियांग इन चाइना, ये इन हमारे ग्वादर पोर्ट से जियांगजिंग इन चाइना, चाइना का जो सिटी है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो रहा है ये सी पैक जो है, ये कॉरिडोर यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा हो रहा है। नेक्स्ट इज गिलगित बल्टिस्तान। गिलगित एंड हुंजा आर इन द ब्यूटिफुल माउंटेनस एरिया टू द वेरी नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा हमारे नॉर्थ में है गिलगित बल्टिस्तान और हुंजा।
इट इज़ होम टू के टू. के टू यहाँ पे है द सेकेंड हाइस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड. द बल्टेड फोर्ट इन द हुंजा वैली डेट्स बैक टू 8 CE. ये इतना पुराना है, यानी कॉमन इराक के बाद. पीपल इन दिस रीजन स्पीक मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस. यहाँ पे जो इस रीजन में, जो इस एरिया में जो लोग रहते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, इंक्लूडिंग शीना, बुरुशस्की, बल्टी, खुआर, वाखी, गजरी, लड़ाखी एंड दुमाकी. एंड यहाँ पे आपको बताया है कि पाकिस्तान हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 207 मिलियंस अकॉर्डिंग टू द 2017 सेंसस. पॉपुलेशन रिकॉर्ड करने के लिए हमें सेंसस करना पड़ता है. सेंसस जो है वो लास्ट उन्होंने जो 2017 में किया था, उसके अकॉर्डिंगली इतनी पॉपुलेशन हमारी रिकॉर्ड की गई थी पाकिस्तान की. लास्ट 2017 में सेंसस हुआ है, उसमें 207 मिलियंस की पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की. नेक्स्ट पेज.